बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर दुख हर परेशानी से दूर रखे। आज मैं लाई हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। मैं लाई हूँ रस मलाई की रेसिपी, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आपको उसकी टिप्स पता चलेंगी, और जब ही आपकी रस मलाई जो है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक पैन के अंदर जो है 1.5 किलो दूध लिया था। इसके अंदर मैं 1/2 कप जो है नीडो पाउडर डाल रही हूँ। आप नीडो का ही दूध लीजिएगा क्योंकि वो फुल फैट मिल्क होता है, तो उससे जो है हमारी रसमलाई बहुत अच्छी बनती है। उसका दूध जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। तो अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, और इसके अंदर 1/2 कप हमने चीनी डाली है। जब हमारा दूध जो है अच्छा सा पक जाएगा और जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो हम जो है इसकी फ्लेम को जो है लो कर देंगे। तो आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उसके हिसाब से आप जो है मिल्क इसके अंदर रखिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। आप देख सकते हैं हमारा मिल्क जो है वो अच्छी तरीके से पक गया है, और मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी थी। अब यहाँ पर हम अपनी रसमलाई बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 2 कप मेजरमेंट कप से जो है नाप के, हम 2 कप दूध ले रहे हैं, सूखा पाउडर ले रहे हैं, और हम लेंगे नीडो का। और आप देख सकते हैं नीडो पाउडर है मेरे पास, तो आप जो है इसकी क्वांटिटी को हाफ कर सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को 1 कप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है। जब आप इसकी क्वांटिटी को हाफ़ करें तो हाफ टेबल स्पून आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालिएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा, और बहुत ध्यान से आपने जो है मेरी रेसिपी को देखना है तभी जो है आपकी रसमलाई बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पर मैं 2 अंडे ले रही हूँ, मेरे पास देसी अंडे हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और हम इस दोनों अंडों को एक बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से जो है फेंट लेंगे। हमारे अंडे जो हैं वो अच्छे से फेंट चुके हैं, और अब हम जो है हमने जो अपना मिल्क पाउडर लिया था उसके अंदर जो है हमने अंडे थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। एक साथ जो है आपने ऐड नहीं करना, और अब आप स्पून को जो है वो एक तरफ कर दें। अपने हाथों की मदद से जो है आप अच्छी तरीके से इसको डो इसकी तैयार कर लें। हमने डो को जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना ना हार्ड रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी रसमलाई की डो जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर एग जो है डालते रहें। अगर आपको लगे कि आपका बैटर जो है हार्ड हो रहा है तो आप एक और अंडा फेंट के आप थोड़ा थोड़ा वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 एग्स जो है वो बिल्कुल इसकी डो जो है इससे परफेक्ट बनेगी, इनफ है इसके लिए। तो हम यहाँ पर आपको जो है अपनी रसमलाई की डो बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपने रखनी है। अगर आप इसको हार्ड थोड़ी चिपकी चिपकी सी होनी चाहिए, अगर इसको आप ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो ये जो है हार्ड हो जाएंगी अंदर से, और ये आपके हाथों में बहुत चिपकेगी। तो आप इसके अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, और इस तरीके से हम छोटी छोटी सी बॉल इसमें तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इससे छोटी भी बॉल्स जो है बना सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी बॉल्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं। मैंने दूध का चूल्हा जो है वो हाई कर दिया था ताकि हमारे दूध में उबाल आने लगे। अब हम 1 बाय 1 करके इसके अंदर बॉल्स डालेंगे। बॉल्स जो है हम हथेली की मदद से जो है प्रेस करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी बॉल्स जो है वो चपटी सी हो जाएंगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमने फ्लेम को अभी हाई करा हुआ है, इसमें उबाल आएगा, फिर हम फ्लेम को अपनी लो कर देंगे और इसके ऊपर जो है इसकी लीड लगा देंगे। इसकी जो है ये टिप है, और आपने इस टिप को जो है फॉलो करना है। आपने अगर ये इसकी टिप जो है आपने फॉलो नहीं करी, आपकी रसमलाई जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। लोग शिकायत करते हैं आप लोगों ने रेसिपी अच्छी नहीं दी या कुछ भी एक्स वाई जेड, लेकिन आप जो है अगर बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपको जो है मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो खैर, यहाँ पर जो है हम इसको 3 बार करेंगे इसी तरीके से। हमने फ्लेम को लो कर दी थी। ये ऐसी टिप है जो आपको जो है हर कोई नहीं देगा, तभी आप लोगों की रसमलाई जो है वो अच्छी नहीं बनती। और हमने फिर फ्लेम को हाई कर देना है। अब आप देखेंगे कि इसमें फिर उबाल आने लगेगा, और हमारी रसमलाई देखें आप कितनी फ्लफ़ी हो गई है। तो यहाँ पर जब उबाल आ रहा है फिर मैं इसकी दोबारा लीड लगाऊंगी, और अच्छे तरीके से जब उबाल आने लगेगा ऊपर तो मैं इस पर दोबारा लीड लगा रही हूँ।
और हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे, दोबारा लीड हटाएंगे। हमने 3 बार इसी तरीके से इसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं हमने फॉलो करनी है, ताकि हमारी रसमलाई जो है परफेक्ट बने। और मैंने 3 बार इस तरीके से करा था, और अब मैं इसके ऊपर पिस्ते जो हैं गार्निश करके डाल रही हूँ। और हम इसको 15 मिनट जो है हल्की आंच पे रख देंगे, दम की आंच पे। उसके बाद ये डन है। जितनी क्वांटिटी में मैंने इसको डाली थी उससे ही डबल हो गई, और इतनी सॉफ्ट थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपने छोटी बनानी है तो आप इसकी छोटी बॉल्स बना सकते हैं, और इसका मिल्क जो है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। तो आपने मिल्क को जो है इतना पकाना है कि इसके जो है मिल्क के अंदर जब गाढ़ा बनाने लगे आपने फ्लेम को लो कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर रसमलाई डालनी है। तो हमारी रसमलाई बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप जो है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स अपना में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।